गाइस, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कभी कभार आपकी वीडियोस रहती है, आपके प्राइवेट वीडियोस या आपके प्राइवेट फोटोज या आपकी फोटो आप किसी कारण से डिलीट कर देते हैं या आपसे डिलीट हो जाते हैं, तो आप उनको किस प्रकार रिकवर करेंगे, रिसीव करेंगे, तो किस प्रकार आप उनको वापिस ले सकते हैं, तो डिलीट हुई वीडियोज फाइल को किस प्रकार हम लेते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मिलने वाली आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके जरिए आपकी डिलीट हुई फाइल्स को, डिलीट हुई वीडियोस को और डिलीट हुए ऑल डॉक्यूमेंट्स को आप वापस रिसीव कर सकते हैं, आप वापस ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलने वाली ये इंफॉर्मेशन, तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं कि किस प्रकार हम अपने फोन के जरिए, अपने फोन से अपने डिलीट हुई वीडियोस को या अपने डिलीट हुई किसी भी डेटा को वापस रिसीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, किस प्रकार हम अपनी डिलीट हुई फाइल्स को, डिलीट हुई वीडियोस को वापस रिकवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, बट पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे साइड में रेड कलर का एक ऑप्शन दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन, उस पर आप क्लिक कर दें, साइड में बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही मैं न्यू वीडियोस डालूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, वीडियोस को लाइक किया करें ताकि हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम नई वीडियोस अपलोड करें, इसलिए आप हमारे वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस प्रकार हम अपनी डिलीट हुई फाइल्स को या डिलीट हुई वीडियोस को या फिर डिलीट हुए फ़ोटो को किस प्रकार वापस रिकवर करेंगे या वापस लाएंगे। अगर दोस्तों आपकी वीडियोस या आपके फ़ोटोज़ डिलीट हो चुके हैं, किसी कारणवश आपने डिलीट कर दिया या गलती से आप कुछ और डिलीट करना चाहते थे और कुछ और डिलीट हो चुका है, अगर आपके साथ ये हुआ है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार अपनी डिलीट हुई फाइल्स को, डिलीट हुई वीडियोस को वापस लाएंगे। दोस्तों, अगर आप डिलीट हुई वीडियोस को वापस लाना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की किस प्रकार हम अपनी डिलीट हुई फाइल्स को, डिलीट हुई वीडियोस को वापस लाएंगे। अगर आप इसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो वीडियोस रिकवर, वीडियो रिकवरी, वीडियो रिकॉर्डर नहीं, वीडियो रिकवर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। दोस्तों, वीडियो रिकवर सॉफ्टवेयर बहुत से हैं, आप कोई सा भी वीडियो रिकवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप यही वीडियो रिकवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, आप कोई सा भी वीडियो रिकवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस प्रकार इस वाले वीडियो रिकवर सॉफ्टवेयर को, जैसे ये बहुत महंगा है, तो आप इनमें से नॉर्मल कॉस्ट वाला, किसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाले किसी भी वीडियो रिकवर सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो रिकवर सॉफ्टवेयर केवल आपके फ़ोटोज़ को ही रिकवर कर पाते हैं, वीडियोस को रिकवर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैंने इसका भी यूज़ करा है, ये वीडियो रिकवर का, इससे मेरे डिलीट हुई वीडियोज़ वापस रिकवर नहीं हो पाई है, क्योंकि मैंने इनमें से एक एक करके सभी का यूज़ कर लिया था और दोस्तों मेरा एक भी वीडियोज़ रिकवर नहीं हो पाई है। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जैसे मैं अपनी ये वीडियोस को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फ़ोटोज़ भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये वीडियोज और ये फ़ोटो हमने डिलीट कर दिए हैं। दोस्तों, डिलीट होने के बाद अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर से रिकवर करना चाहते हैं, तो आपके फ़ोटोज़, आपकी वीडियोस रिकवर नहीं हो पा रही है। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने इनका उपयोग करके अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ को रिकवर करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन रिकवर नहीं हो पाई है। हाँ, अगर आपके वीडियोज़ आपने डिलीट करे हैं, उसके बाद आप नई वीडियोज़ या नई गाने ले लेते हैं, तो आपके रिकवर कभी भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर की सहायता से ये रिकवर हो जाते हैं, आप कंप्यूटर की सहायता से इनको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नया वर्जन वाला फ़ोन है, नए, जैसे मेरा फ़ोन ये सैमसंग का है, सैमसंग S7 न्यू, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, सैमसंग S7 है, आपको दिख ही रहा होगा, गैलेक्सी S7, और इसका सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन 9.0 है। तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन 9 है दोस्तों इसमें, तो सॉफ्टवेयर 9 जो कि है,
तो यही अगर आपके फ़ोन में भी हो तो आप इसको रिकवर करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की गैलरी यानी जिस जगह से आपके फ़ोटोज़ डिलीट आपने करे थे आप गैलरी पर चलिए। गैलरी पर जाने के बाद आपको नेविगेशन ऑन करना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और नेविगेशन आपका ऑन हो जाएगा। नेविगेशन ऑन होने के बाद आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि आप डबल स्टोरेज यानी कोई भी चीज़ ड्यूअल तो नहीं है आपके पास, डबल तो नहीं है, सेम चीज़ डबल तो आपके फ़ोन में नहीं है। अगर सेम चीज़ आपके फ़ोन में डबल है तो आप उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जो भी चीज़ सेम चीज़ आपके फ़ोन में हो तो आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप किसी गलती से आपके फ़ोन से कुछ चीज़ डिलीट हो चुकी है, आप नहीं चाहते थे डिलीट करना, तो आप उसको किस प्रकार रिकवर करेंगे वो प्रोसेस है। आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, यहाँ है एक रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन पर आपको क्लिक करना है और आपकी डिलीट आपकी सभी वीडियोज़ फ़ोटोज़ को आप डिलीट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारा एक ये वीडियोज़ थी, एक ये थी, ये थी, ये थी, ये सारी चीज़ें हमने आज ही करी थी और ये हमारी डिलीट हो चुकी थी। हम इसको वापस यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो चुकी है परमानेंटली। लेकिन अगर आप इनको रिकवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनको रीस्टोर पर क्लिक करें और आपकी वीडियोस वापस रीस्टोर हो जाएगी आपकी। यहाँ से इसे मैं आपको एक और फ़ोटोज़ इनको डिलीट कर देता हूँ। ये फ़ोटो हमारे डिलीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम इन्हें रिकवर करना चाहते हैं तो रिसाइकल बिन में जाना होगा, आपको इनको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से रिस्टोर करना होगा, तो आपके फ़ोटोज़ वापस रिस्टोर हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए डिलीट हुए फ़ोटोज़ वापस रिस्टोर हो चुके हैं। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों डिलीट हो चुके हैं। अब आप यहाँ से आप इन्हें देखेंगे तो आपके फ़ोटोज़ अभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर जाना है और रिसाइकल बिन में जाना है, आप इनको सेलेक्ट करना है, रिस्टोर करना है, आपके फ़ोटोज़ वापस रिस्टोर हो जाएंगे। इसी स्टेप को फॉलो करके आपके डिलीट हुए फ़ोटोज़ को आप रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि डिलीट हुए फ़ोटोज़ को किस प्रकार रिकवर किया जाता है। अगर आप समझ चुके हैं कि डिलीट आपके फ़ोटो हो जाते हैं तो आप उन्हें किस प्रकार रिकवर करेंगे, तो पूरा प्रोसेस आज मैं आपको समझा चुका हूँ। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके फ़ोटो डिलीट हो चुके हैं, आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डिलीट हो चुके हैं और ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कंप्यूटर की सहायता से या दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसे ही अगर आपका कमेंट आता है तो मैं आपका जवाब तुरंत दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको प्रॉब्लम होती है, आपको रिकवर होने की प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको पूरा प्रोसेस इजीली स्टेप में समझा दूंगा कि आप किस प्रकार आपकी वीडियोस को रिकवर करोगे। तो थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।